चुनाव में सीएम नवीन पटनायक की सेहत अब चुनावी मुद्दा बन गई है। मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नवीन पटनायक के हाथ कांपते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद बीजेपी ने उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर चिंता जताई है। बुधवार को ओडिशा के मयूरभंज की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक की हेल्थ पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनती है तो सीएम नवीन पटनायक की तबीयत बिगड़ने की वजह की जांच की जाएगी और इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाएगी। पीएम मोदी ने सवाल पूछा कि क्या मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। आजकल नवीन बाबू के सभी शुभचिंतक बहुत चिंता में है, वो ये देखकर बहुत परेशान है कि पिछले एक साल में अचानक नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। बरसों से नवीन बाबू के करीबी रहे लोग अब जब मुझसे मिलते हैं तो जरूर नवीन बाबू की तबीयत की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या, ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। बीजेडी के नेता वीके पंडियन पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूरा उड़ीसा एक उड़िया मुख्यमंत्री चाहता है, इसलिए राज्य के लोग बीजेडी सरकार के 25 साल के शासन पर पूर्ण विराम लगाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि 5 दशकों के बाद देश में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे। दरअसल ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नवीन पटनायक को एक मंच पर भाषण देते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि बीजेडी नेता वीके पंडियन नवीन पटनायक के कांपते हाथ को पकड़ते हैं और इसे जनता की नजरों से छिपाने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है और इसी वीडियो का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इसे एक साजिश बताया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।